So let us design one more PDF for the given language. Let's say the language given is a power n, b power n plus n, and c power n. C power m, where n and m is greater than or equal to 1. तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि जो a की संख्या है और जो c की संख्या है, इनकी cumulative संख्या b की संख्या के equal है, लेकिन पहले a's आएंगे, then b's आएंगे, then c आएंगे. तो हम देखते हैं कि किस क्या इस तरह का कंपैरिजन पॉसिबल है क्या. तो सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं कि जो b है उसका जो पावर है उसको m प्लस n की जगह हम n प्लस m लिख रहे हैं. तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, a पावर n, b पावर n, c पावर m, सॉरी b पावर m एंड c पावर m. तो b पावर n प्लस m को हमने b पावर n इंटू b पावर m लिख दिया. सो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि a की संख्या b के इक्वल एंड देन b की संख्या c के इक्वल. तो ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्स्ट n a's हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हम पुश कर दें और फर्स्ट n b के कोरस्पॉन्डिंग हम पॉप कर दें. इसके बाद नेक्स्ट जो b's आए उनके कोरस्पॉन्डिंग हम पुश कर दें स्टैक पे, और जब c's आए तो हम उसको पॉप कर दें. एंड में अगर स्टैक पर एम्प्टी बचता है तो हमारा PDA करेक्टली डिजाइन हो गया. तो एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं. लेट्स से कि n की वैल्यू 2 है और n m की वैल्यू 3 है. सो जो हमारा स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज का, व्हाट विल दैट बी? दैट विल बी a पावर 2 a स्क्वायर, b पावर 5 एंड c पावर 3. तो इसको हम इनपुट टेप में डिफाइन करें तो डबल a 5 टाइम्स b, देन 3 टाइम्स c एंड फॉलोड बाय एप्सिलॉन. तो इसके अकॉर्डिंग हम PDA डिजाइन करते हैं. सो लेट स्टार्ट विद द Q0 स्टेट. स्टार्टिंग में मुझे a सिंबल मिला इनपुट में और स्टैक के टॉप पे Z0 है, तो मैं इस सिंबल को स्टैक पे पुश करूंगा. सो लेट्स टेक द स्टैक, इसमें मैंने a सिंबल को पुश कर दिया. इसके बाद अगर मुझे एक और a मिलेगा और स्टैक के टॉप पे a है तो मैं इसको पुश करता हूँ. फिर इसके बाद जैसे ही मुझे b मिलेगा और स्टैक के टॉप पे a होगा तो मैं पॉप कर दूंगा. तो b मुझे मिला और स्टैक के टॉप पे a है तो मैंने इसको पॉप कर दिया. तो लेट्स से आई हैव मूव टू स्टेट नंबर Q1. इसके बाद मुझे एक b और मिला और स्टैक के टॉप पे a है तो मैं इसको भी पॉप कर दूंगा. अब स्टैक एम्प्टी हो गया. इसके बाद जो नेक्स्ट बी है उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे ये दिखेगा कि स्टैक के टॉप पे जेड नॉट है, तो मैं इसको स्टैक पे पुश कर दूंगा. बी जेड नॉट हो जाएगा, इसका मतलब कि मैं स्टैक पे पुश कर दूंगा. तो अब जो थर्ड बी आया है उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं इसको स्टैक पे पुश कर देता हूँ. आगे मुझे और भी बीज मिलेंगे और अगर स्टैक के टॉप पे बी ही है तो मैं इसको स्टैक पे पुश कर देता और स्टेट Q2 में रहता हूँ. जैसे मुझे सी मिलना शुरू होगा मैं पॉप करूंगा. तो मुझे सी मिला और स्टैक के टॉप पे बी होगा, मैं पॉप कर दूंगा. तो मुझे तीन बीज मिले जिसको मैंने पुश कर दिया है स्टैक पे, और पहला बी जो मैंने पुश किया है वो इस रूल के हिसाब से किया और जो दो बीज आगे के पुश किया वो इस रूल के हिसाब से किया. तो अगर मुझे अब सी अगर मिलेगा तो मैं स्टैक को पॉप करूंगा और मैं लेट्स से Q3 स्टेट में मूव करता हूँ. तो पहला सी मिला उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने पॉप किया और Q3 स्टेट में मूव कर गया. इसके बाद जितने मुझे सीज मिलते रहेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं पॉप करता रहूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि स्टैक के टॉप पर मुझे बी मिलना चाहिए. तो सेकेंड सी मुझे मिला, मैंने इसको भी पॉप कर दिया. नेक्स्ट सी मिला, मैंने इसको भी पॉप कर दिया. तो मैंने तीनों सी के कोरस्पॉन्डिंग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है और Q3 स्टेट में मैं हूँ. जिसके बाद मुझे जब एप्सिलॉन दिखेगा और स्टैक के टॉप पे Z0 होगा तो मैं इसको सेम रखते हुए, सिंबल को चेंज ना करते हुए, फाइनल स्टेट में मूव कर जाऊंगा. दैट विल बी द फाइनल स्टेट. सो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड दिस और वी हैव डिजाइन द PDA फॉर द गिवन लैंग्वेज. सो नाउ इसके ट्रांजिशन फंक्शन को लिख लेते हैं. सो मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें तो ट्रांजिशन फंक्शन जरूर बनाएं. अगर आप एग्जाम में इसको कर रहे हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर दिस.
So we are at the Q0 state and you observe A. And the stack top is Z0. So you will move to Q0 state and A will be pushed. You are at the Q0 state, you observe A or stack ka top bhi A hai. So is symbol ko stack ko push kar lijiye. फिर आप Q0 स्टेट पे हैं और आपको B दिखता है, स्टैक के टॉप पे A है, तो आप पॉप कर दीजिए, लेकिन आप Q1 स्टेट में मूव कर जाइए. Q1 स्टेट में मुझे, सो आई एम एट द Q1 स्टेट और B मुझे मिलता है और स्टैक का टॉप A है, तो उस केस में मैं Q1 स्टेट में रहूंगा और पॉप करूंगा. इसके बाद Q1 स्टेट में B आता है लेकिन स्टैक का टॉप Z0 होता है, तो लेट अस मूव टू द स्टेट नंबर Q2 एंड इस सिंबल को हम पुश कर देते हैं स्टैक पे. फिर Q2 स्टेट पे अगर मुझे और बीज मिलेंगे और स्टैक का टॉप B होगा, तो मैं इन सभी बीज को स्टैक पे पुश कर लूंगा. आफ्टर दिस लेट्स से कि मुझे एक C मिलता है, तो मैं Q2 स्टेट में हूँ और मुझे C मिलता है, तो मैं मूव कर जाता हूँ. अच्छा, स्टैक का टॉप इस केस में B होगा, तो मैं मूव कर जाता हूँ Q3 स्टेट में और स्टैक को पॉप कर देता हूँ. Q3 स्टेट में C और आता है और B स्टैक के टॉप पे है, तो इस केस में भी मैं स्टेट Q3 में रहूंगा और स्टैक को पॉप करूंगा. Q3 स्टेट में जब मुझे एप्सिलॉन सिंबल मिलेगा इनपुट में और स्टैक के टॉप पे Z0 होगा, तो मैं फाइनल स्टेट QF में पहुंच जाऊंगा और स्टैक के टॉप सिंबल को चेंज नहीं करूंगा. सो दिस इज हाउ वी डिजाइन द PDA फॉर द गिवन लैंग्वेज. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स.